thank you नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी वन जीरो वन आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके आज के इस करंट अफेयर के सेशन में सुबह नहीं हो पाया था दोस्तों अभी इसको कर रहे हैं जल्दी से लेट्स बिगिन द क्लास फटाफट बिना देर किए तो सबसे पहले बता दू दोस्तों ये चार चैनल हैं मेरे साथ जुड़ जाइए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल की ये चार चैनल हैं इनको एक बार आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप यूपीएससी की बेहतर तैयारी कर सकें आप मेरे साथ अन के ऐप पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ जुड़ने के लिए यू जस्ट हैव टू फॉलो मी विद द नेम सुमित कुमार आपको मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करना है फॉलो करना है एक बार आप जब फॉलो कर लोगे उसके बाद कोई भी क्विज हो आपकी कोई भी स्पेशल क्लास हो कोई भी प्लस कोर्स हो आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं एक बात ध्यान रखिएगा मेरा कोड मेरा कोड है सुमित टेन सुमित टेन आप यूज करेंगे आपको मिलेगा टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट एंड अशोर्ट गाइडेंस बाई मी मैं खुद आपको इसमें गाइड करने वाला हूँ अच्छा दोस्तों एक आखिरी ऑफ़र है आपके लिए एक आखिरी चांस है टू अवेल ट्वेंटी फोर ट्वेंटी परसेंट ऑफ बीस परसेंट आपको ऑफ मिलेगा अगर आप जुड़ते हैं अभी इकतीस जनवरी ठीक है ये लास्ट डेट आज ही है ठीक है खत्म होने वाली है वैसे कुछ समय बचे हैं कुछ मिनट बची हैं तो आप जाके कर सकते हैं यूजिंग द कोड सुमिट टेन एक और अच्छी बात दोस्तों एनसीईआरटी का एक क्रैश कोर्स आ रहा है जल्दी से और ये लोग क्रैश कोर्स है काफी जिसमें छठी से लेकर बारहवीं क्लास की एनसीईआरटी कराई जाएगी और ये मात्र चार हजार रुपए के अंदर में जो बच्चे पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते वो ये लेके अपनी तैयारी जो है एनसीआर की आगे बढ़ा सकते हैं मेरे साथ इसमें बाकी के एजुकेटर्स भी हैं मैं इसमें कराने वाला हूं दोस्तों क्या स्पेशली मैं डिस्कस करूंगा आपका जॉग्रफी तो ये कल से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ फैब से ठीक है कल से स्टार्ट हो रहा है तो आप जाके इसमें मेरा कोड लगा सकते हैं मेरा कोड रहेगा सुमित मेरी क्लास जो स्टार्ट होगी दोस्तों वो स्टार्ट होगी आपका मार्च के अंदर में ठीक है उसके अलावा दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए एट द रेट सुमित राठी यूपीएससी आज का पहला टॉपिक पे आते हैं दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने एक रिपोर्ट रिलीज की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है उस रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020 2021 ठीक है ये रिपोर्ट है एक बेसिकली एक सर्वे किया गया है हमारे देश के अंदर जो हायर एजुकेशन है हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है 12वीं के बाद की जो शिक्षा होती है हम उसको हायर एजुकेशन के अंदर में काउंट करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2000 आई थिंक एक से या पता नहीं 2011 से ये डेटा जो है वो पब्लिश कर रही है ताकि हमें ये अंदाजा लग सके कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें बारहवीं के बाद पढ़ाया जाता है स्पेशली जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होते हैं उनका क्या स्टेट है है ना ताकि सरकार को ये पता चले और फिर सरकार उसके बारे में नीति बना सके पॉलिसी बना सके तो इसके लिए ये बेसिकली जो है इसको किया जाता है हर साल होती है तो पीआईबी में आई हुई न्यूज है आपकी बेसिकली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज ऑल इंडिया ऑन हायर एजुकेशन क्या मुद्दा है पूरा का पूरा चलिए इसको दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे पहला जो सवाल हमारे और आपके सामने आता है वो ये आता है सर कि वाई वी आर डिस्कसिंग इट भाई हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं हम इसको क्यों देख रहे हैं हमारे लिए क्यों जरूरी है, है ना पढ़े तो ना पढ़ें तो है ना तो ये जरूरी है दोस्तों हमारे लिए जरूरी इसलिए दोस्तों की जीएस पेपर दो का भाग है हमारा जो यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उसमें जीएस पेपर दो के अंदर में हमें एजुकेशन के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्लान और पॉलिसी के बारे में पढ़ना पड़ता है हमें यह भी पढ़ना पड़ता है कि सरकार की जो भिन्न भिन्न प्लान और पॉलिसीज़ हैं इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? है ना तो ये पूरा का पूरा बेसिकली एक सर्वे है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो भारत में जब भी एजुकेशन और स्पेशली हायर एजुकेशन की बात आती है तो आज इस रिपोर्ट से चीजें निकाल के आप अपने आंसर में लिख सकते हो ठीक है सो so, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मैं बता दूं ये एकदम थियोरिटिकल चीज है सर्वे है सारी फैक्ट्स इसके अंदर में बताए गए हैं तो कोई कॉन्सेप्ट इसके अंदर में आपको नहीं मिलेगा तो जब भी आप हायर एजुकेशन के बारे में बता रहे हो तो उसको सबस्टैंशिएट करने के लिए अपनी बात को बताने के लिए जैसे आप बोल दोगे कि भारत के अंदर में जो हायर इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी संख्या बढ़ी है दो हज़ार चार के बाद बढ़ी है तो आपको सबस्टेंशिएट करने के लिए डेटा देना पड़ेगा तो वो डेटा यहां से मिलेगा ठीक है तो पूरा का पूरा एक सर्वे आया है एक रिपोर्ट आया है तो उस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो किस मिनिस्ट्री ने किस मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को दिया है तो मैं आपको बता दूं दो दोस्तों हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है है ना हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ए आई एस एच ई है ना तो अभी 2020 और 21 वाली जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने आई है जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है दोस्तों हमारा ईयर चल रहा है अभी 2022-23 चल रहा है है ना एजुकेशन ईयर भी यही चल रहा है तो हम हमसे एक साल पहले की है मतलब ये अभी जो रिपोर्ट है ना ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा और हम 2011 से इस रिपोर्ट को पब्लिश कर रहे हैं क्यों पब्लिश कर रहे हैं हम बस ये चाहते हैं कि जो हमारी हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर में जो कॉलेज हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका भैया क्या स्टेटस है उनकी क्या स्थिति है उनकी क्या अवस्था है वो किस प्रकार की स्थिति में है क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ रही है वगैरह वगैरह तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम इसमें देखते हैं है ना सो so, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जो है वो रिपोर्ट आपकी जारी की है ठीक है सर समझ गए अच्छा इसमें क्या क्या बातें हैं तो इसके अंदर में डेटा कलेक्ट किया गया हमने किन किन पैरामीटर पे डेटा कलेक्ट किया है। जैसे कितने टीचर्स हैं हर इंस्टीट्यूशन में यूनिवर्सिटीज में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है मतलब कितने छात्र आते हैं किस कॉलेज में या किस हायर इंस्टीट्यूशन के अंदर में कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है वहां पर एग्जामिनेशन के रिजल्ट कैसे रहते हैं भाई रिजल्ट आता है एग्जाम का तो वो रिजल्ट क्या रहता है ठीक है उसके अलावा एजुकेशन का फिनेंस ठीक है ये भी होता है कि पैसा कहां से आ रहा है उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कितना पैसा उसको मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा एंड साथ साथ में प्यारे बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इन सारे चीजों के ऊपर में एक डिटेल आपका इस रिपोर्ट के अंदर में कलेक्ट करके आपको बताया जाता है इंडिकेटर्स ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन डेंसिटी मतलब कितने एरिया के अंदर में कितने इंस्टीट्यूशन है मैं कह दूं भाई पांच किलोमीटर में दो इंस्टीट्यूशन है ऐसे तो वो इंस्टीट्यूशन की डेंसिटी कितनी है हमारे यहां पर संस्थान का घनत्व कितना है ये डेटा भी इसमें कलेक्ट किया जाता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जी कितने लोगों ने इसके अंदर में एडमिशन लिया है टीचर रेशियो मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने उसके ऊपर में टीचर्स हैं उसका एक रेशियो जेंडर पैरिटी इंडेक्स मतलब कितनी महिलाएं उसमें जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर में भाग ले रही हैं कितने उसके अंदर में पुरुष हैं है ना मेल टू फीमेल रेशो साथ साथ टीचर के अंदर में भी मेल टू फीमेल रेशो का डेटा हम कलेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर इंस्टीट्यूट उसकी शिक्षा के लिए उसकी वेलबींग well के लिए उसके बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए कितना खर्चा कर रहा है पर स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर क्या चल रहा है ये सारी की सारी चीज़ें ना हम इन डेटा से कलेक्ट करते हैं है ना दोबारा बता रहा हूं दोस्तों क्या हो रहा है दो से हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो ये डेटा कलेक्ट कर रही है ताकि हमारे हायर एजुकेशन के बारे में अपने को पता चल सके दो हज़ार का ये डेटा हमारे सामने रखा गया है इस डेटा में बहुत सारी चीज़ें हम जो है लेके आते हैं हम देखते हैं टीचर कितने हैं स्टूडेंट कितने हैं अभी मैं बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स ने एनरोलमेंट किया कितने टीचर आए हैं कितने नए यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं कितने नए कॉलेज खुले हैं मेल टू फीमेल फीमेलो क्या है फैकल्टी का क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा ये सारा हम 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 गैदर करके फिर हम कुछ आंकड़े बनाते अपने। हम आंकड़े बनाते बनाते हैं हैं अपने कि भैया इंस्टीट्यूट की डेंसिटी क्या है उस एरिया के अंदर में कितने एरिया के अंदर में कितने इंस्टीट्यूट है तो सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट की डेंसिटी बना लेंगे उसके बाद हम देखेंगे ग्रोस एनरोलमेंट कितना है कितने लोगों के ऊपर ठीक है कितने लोग जो है कितने स्टूडेंट्स उसके अंदर में रूल कर रहे हैं प्यूपिल टीचर रेशियो स्टूडेंट उसका टीचर का रेशियो क्या है ये सारी चीजें हम उनसे जो हमने डेटा कलेक्ट किया है ये सारे अलग-अलग मैट्रिक्स हम उससे फिर क्या कर लेते हैं दोस्तों तैयार कर लेते हैं अब बात करते हैं सर हायर एजुकेशन जब भी ये वर्ड दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए हायर एजुकेशन का मतलब है दोस्तों कि 12वीं के ऊपर की बात हम कर रहे हैं ठीक है इस सर्वे का जो पर्पज है ठीक है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सर्वे हमने हायर एजुकेशन को डिफाइन क्या किया है हमने कहा है कि भाई वो जो हम बारहवीं क्लास के बाद बारहवीं कक्षा के बाद ना उसके बाद जो हम पढ़ाई करते हैं हम उसको हायर एजुकेशन में रखते हैं ठीक है इस सर्वे के लिए हमने जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग हायर लर्निंग इन द कंट्री हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज पहली बात क्या है हायर एजुकेशन बारहवीं से ऊपर का दूसरा भाई सर्वे करने के लिए हमने जो हायर एजुकेशन है उसको तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया है ठीक है तो हमने तीन ग्रुप बना लिए कि भाई हमारा हायर एजुकेशन के अब तीन डिफरेंट ग्रुप हैं और इन ग्रुप का हम डेटा देंगे पहली ग्रुप जो पहली कैटेगरी है वो कौन सी है पहली कैटेगरी है यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन होता नहीं यूनिवर्सिटीज है ना तो फर्स्ट कैटेगरी हमने बनाई यूनिवर्सिटीज दूसरी कैटेगरी हमने बनाई दोस्तों कॉलेज और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो इन यूनिवर्सिटीज के द्वारा एफिलिटेड होते हैं इन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होते हैं और तीसरा हमने बताया जो ना तो यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है वो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने आप में खुद के अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं इंस्टीट्यूशन नॉट एफिलेटेड यूनिवर्सिटीज ये यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त नहीं होते दोस्तों ये स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट होते हैं सुदीप हैप्पी बर्थडे यार बहुत बहुत जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं आपको ठीक है शुभदीप सॉरी बहुत बहुत धन आपको शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की भगवान आपको अच्छी ऊंचाइयों पे ले जाए आपको मेहनत करने की शक्ति दे कि हाईलाइट्स की बात करते हैं दोस्तों इसमें मुख्य मुख्य बात क्या कही गई जैसे पहला इसने यूनिवर्सिटीज और डेटा के ऊपर में कुछ बताया है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के ऊपर में ना डेटा बताया है क्या बताया डेटा इन्होंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटीज है ना और यूनिवर्सिटी लेवल के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हो गए हैं एक भारत के अंदर पूरे भारत के अंदर में कॉलेज की बात करें तो तैंतालीस हजार सात सौ छियानवे कॉलेज है पूरे भारत के अंदर में और जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपका मान्यता प्राप्त नहीं है यूनिवर्सिटी से वो कितने ग्यारह हजार दो सौ छियानवे हमने डेटा कलेक्ट किया है दो हजार चौदह पंद्रह के बाद माना गया है कि कुल मिला के तीन सौ त्रेपन यूनिवर्सिटीज जो है वो और बढ़ी है जिसमें फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर परसेंट का ग्रोथ रेट हमने यहां पर ऑब्जर्व किया है कितनी यूनिवर्सिटीज तीन सौ तेपन यूनिवर्सिटीज अगर मैं सिर्फ दो हजार की बात करूं तो कुल मिला के सत्तर यूनिवर्सिटीज वो आपकी बड़ी हैं और टोटल कॉलेज एक हजार चार सौ त्रेपन कॉलेज दो हजार बीस इक्कीस के अंदर भारत के अंदर एक साल में यार लगभग साढ़े चौदह सौ कॉलेज खुल रहे हैं ठीक है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें ठीक है तो ये लगभग डबल हो गए हैं पचहत्तर थे दो हजार में और आज वन हो गए हैं दो हजार की हम बात यहां पे बता रहे हैं डबल हो गए हैं लगभग इनकी संख्या 191 न्यू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 2014-15 के बाद कुल मिला के एक सौ इक्यानवे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हमने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किए हैं उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर हाइएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज किस राज्य में है दोस्तों अगर हम देखें तो राजस्थान में सबसे बड़ी युनिवर, ज्यादा यूनिवर्सिटीज है भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो हाइएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है दे कम्स इन द राजस्थान सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है एटी फोर एंड थर्ड नंबर पर आता है गुजरात तिरासी सबसे ज्यादा जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात ठीक है ये आठ स्टेट हैं नंबर ऑफ कॉलेज में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कॉलेज है जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो वही होंगे तैंतालीस परसेंट भारत की जो यूनिवर्सिटीज है वो रूरल एरिया में है और इकसठ दशमलव चार परसेंट जो कॉलेज है वो भी रूरल एरिया में अब इसका मतलब ये नहीं है कि रूरल एरिया में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं ना देखो कॉलेज और इंस्टीट्यूशन और जो स्कूल होते हैं ना वो रूरल एरिया में इसलिए खोले जाते हैं ताकि फीस जो है सॉरी जो कॉस्ट है है ना वो कम हो सके क्योंकि गांव में जमीन वगैरह सस्ती मिल जाएगी आपको है ना तो वो एक बड़ा फैक्टर होता है वहां पर अब बात करते हैं दोस्तों स्टूडेंट की कि स्टूडेंट का क्या रहा है स्टूडेंट कितने थे पहले अब कितने बड़े हैं एनरोलमेंट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा उस पर आ जाते हैं तो जो टोटल एनरोलमेंट है हमारा हायर एजुकेशन के अंदर में वो बढ़ा है चार दशमलव चौदह करोड़ इन दो हजार बीस इक्कीस फ्रॉम तीन दशमलव पचपन पचासी करोड़ थे कब दो हजार उन्नीस बीस में है ना तो स्टूडेंट की संख्या भी दोस्तों बढ़ी है फीमेल एनरोलमेंट की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो वो भी बढ़ा है दोस्तों पैंतालीस परसेंट था दो हजार चौदह पंद्रह में मतलब टोटल हाईर एजुकेशन में पहले पैंतालीस परसेंट मेल फीमेल आती थी और पचपन परसेंट मेल लेकिन अब वो बढ़कर फोर्टी नाइन परसेंट हो गया है तो ना फोर्टी नाइन परसेंट जो हायर एजुकेशन में जो एडमिशन होते हैं स्टूडेंट्स के तो उनमें से अगर हम बात करें तो फोर्टी नाइन परसेंट जो होती है फिफ्टी वन परसेंट मेल हैं सर्वे ऑल्सो हाईलाइट एंड इंक्रीज इन एनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स अगर हम शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है अट्ठावन पॉइंट नौ लाख जो है स्टूडेंट अब की बार है और 2019-20 में यही एस सी में केवल छप्पन दशमलव पांच लाख स्टूडेंट्स थे मतलब जो हमारे लोअर सेगमेंट के लोग हैं वो भी जो है उनको भी काफी ज्यादा यहाँ पे एडमिशन जो है वो सब मिले हैं वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एनरोलमेंट इन स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो इनका भी देखो संख्या बढ़ी है ठीक है चौबीस लाख हो गया है उससे पहले 21.6 लाख थे उससे पहले 16.4 लाख थे है ना तो ये डेटा बता रहा है कि एस सी एस टी दोनों के अंदर में जो एनरोलमेंट है वो बढ़ा है महिलाओं का एनरोलमेंट बढ़ा है और ऑल ओवर स्टूडेंट का एनरोलमेंट भी जो वो बढ़ा है हायर एजुकेशन के अंदर में टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में देखूं ठीक है तो कितना था दो हजार इक्कीस बीस इक्कीस में और इससे पहले कितना था दोस्तों नौ लाख के आसपास दो हजार चौदह पंद्रह में यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी हायर एजुकेशन के अंदर में एनरोलमेंट बढ़ा है एज पर रिस्पॉन्स इन दिस रिपोर्ट अबाउट सेवेंटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स ऑफ दोटल स्टूडेंट्स आर एनरोन द अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेस एंड इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट एन आर एनरोल्ड इन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज जो बारहवीं पास करके आए हैं उसमें से उन्नासी दशमलव छः प्रतिशत ने अंडर ग्रेजुएट में पार्टिसिपेट किया है और उसके बाद में ग्यारह पॉइंट पांच परसेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर में भी क्या किया है दोस्तों उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ठीक है मतलब एडमिशन लिया है ऑफ द टोटल एनरोलमेंट पचपन दशमलव पांच लाख स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन द साइंस स्ट्रीम टोटल की अगर मैं बात करता हूं तो पचपन दशमलव पांच लाख स्टूडेंट जो हैं वो साइंस स्ट्रीम में एनरोलमेंट किया उन्होंने इसके साथ साथ जो फीमेल स्टूडेंट है उनतीस पॉइंट पांच लाख दे आउट नंबरिंग मेल स्टूडेंट्स उन्होंने मेल स्टूडेंट्स को क्या कर दिया दोस्तों आउट नंबर कर दिया है फीमेल स्टूडेंट्स ज्यादा है यहां पे फैकल्टी की बात करते हैं दोस्तों तो फैकल्टी अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं वो है पंद्रह लाख इक्यावन हजार सत्तर टोटल यूनिवर्सिटीज के अंदर कॉलेजों के अंदर सबके अंदर इनमें से 57.1 परसेंट जो है मेल है और 42.9 परसेंट जो है वो क्या है फीमेल है फीमेल पर हंड्रेड मेल फैकल्टीज वर इंप्रूव्ड टू 75 इन 2020-21 फ्रॉम 74 इन 2019 20 एंड 63 इन 2014 15 ये ऑल ओवर हमने यहां पर रेशियो जो है आपके सामने यहाँ पे बताया है अब आते हैं मित्रों रिलेटेड सर्च के ऊपर ठीक है ये हमने पढ़ लिया तो मैंने बताया मोरलेस ये डेटा था यार पूरा का पूरा इसके अंदर में कुछ ऐसा था नहीं कि हमें जो याद रखना पड़े कोई कॉन्सेप्ट हो ठीक है तो वो था नहीं यहाँ पे हो जाएगा हो जाएगा मयंक कुमार डिमोटिवेट मत हो अभी हम एक साल वाला करंट अफेयर की सीरीज में चलाने वाला हूं ठीक है एक साल की सीरीज में चलाने वाला हूं ठीक है तो उसके बाद में सब चीज हो जाएंगी चिंता मत करो यार सब हो जाएगा डिमोटिवेट नहीं होना आपको रिलेटेड सर्च की बात करें तो देखो सबसे पहले आपको देखना है इशू क्या है भारत में हायर एजुकेशन से संबंधित ठीक है ये इंपॉर्टेंट है है ना यही मेंस में आपसे पूछा जाएगा अगर मेंस में कल को आंसर राइटिंग आएगी तो आपसे यही पूछेगा वो कि बताइए व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज विच आर रिलेटेड विद द इंडियाज हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन संबंधी कौन कौन से मुद्दे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी इससे भी सवाल आपका बन सकता है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जा सकते हैं तो ये ये है, इससे बारे में पूछ सकता है कौन करता है कब कब होता है कब से शुरू हुआ और इस सर्वे की हाईलाइट क्या थी बस ये दो बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है इसके अलावा आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा बस ठीक है मैं कह रहा हूं डरना मत इसके अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा मेंस स्पेसिफिक पे आ जाते हैं मेंस में क्या है कह रहा है कि डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन एंड पॉइंट आउट द मीजर टू अचीव देम इन द इंडिया इन डिटेल 2021 के अंदर यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था आप लोगों से क्या सवाल था कि भारत के व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन है ना पॉपुलेशन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको अचीव करने में हमारे सामने हमें हमने क्या क्या मीजर लिए हैं क्या क्या उपाय किए हैं उनको डिटेल में लिखो तो 2022 का ये सवाल था इसके ऊपर आपको लिखने का प्रयास करना है ठीक है तो ये हो गया आपका मेंस का क्वेश्चन के अंदर में यूपीएससी ने पूछा था आगे बढ़ते हैं दोस्तों ठीक है आगे बढ़ते हैं ये आप में से किसी के बचपन की फोटो है कौन है जल्दी से बता देना ठीक है कौन है आप में से ठीक है चलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की बात कर रहे हैं हम दोस्तों ट्रॉपिकल का मतलब समझो यहां पे क्या है ठीक है ट्रॉपिकल का मतलब ये जीरो डिग्री हो गई हमारी ये हो गया साढ़े तेईस डिग्री नॉर्थ ये साढ़े तेईस डिग्री साउथ है ना इस लाइन के बीच में जो होता है ना उसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं ठीक है इसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं तो यूजुअली इस एरिया में वो वो देश हैं जो गरीब देश हैं है ना जो गरीब है और गरीब देशों में कई अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है वायरस पैथोजन वॉम्स बैक्टीरिया कई सारे ऐसी बीमारी होती हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते अब जैसे कोविड था कोरोना था पूरी दुनिया का ध्यान गया इसकी तरफ पूरी दुनिया इसके टेस्ट करने में लग गई थी पूरी दुनिया इस पर रिसर्च करने लग गई थी कि भाई कैसे इसकी दवाई बनाएं वैक्सीन बनाएं फलाना डिमकाना पर कई बीमारियाँ ऐसी है जैसे खाज खुजली नहीं होती है खाज ठीक है हा, हाँ हाँ एक बीमारी है वो ट्रॉपिकल नेगेटिव डिजीज़ है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता ना ही कोई बड़ी कंपनियां ना ही कोई बड़ा देश उसके ऊपर ना डब्लू एच ओ उसके ऊपर कोई इन्वेस्ट करता है तो ऐसी बीमारियों कहते हैं नेग्लेक्टेड जिनको लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं भाई रिसर्च में पैसा कौन डालेगा कोई दवाई बनाएगा या कुछ और करेगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है अमीर देश गरीब देशों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है वो बेचारे कहाँ से रिसर्च करेंगे है ना तो इसीलिए ऐसी बीमारी जो अमीर देशों में नहीं है वो सिर्फ उन गरीब देशों में उस ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर है यूजुअली उसको इग्नोर कर दिया जाता है बाकी देशों के द्वारा ना उन पर रिसर्च होती है और ना कोई कुछ और उनके बारे में कोई पॉलिसी वगैरह बनाते हैं तो ऐसे में वो बीमारी जो है उसको हम नेगेलेटी ट्रॉपिकल डिजीज कहते हैं ऐसे ना नेग्लेटी ट्रॉपिकल डिजीज़ का एक ग्रुप है बारह से तेरह बीमारी है जो इस श्रेणी के अंदर में आती है और भारत कईयों में टॉप पे है भारत के अंदर में दोस्तों लगभग आधी पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जिसको कम से कम एक नेगलेटी ट्रॉपिकल डिजीज तो है ही है ठीक है लिम्पेटिक में हम टॉप पे आते हैं ठीक है खैर हमने खत्म कर दिया खाज भी खैर हमने खत्म कर दी मैं जब पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी बट खैर कोई नहीं तो बात करते हैं, डिजीज। की हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कल था तीस जनवरी और तीस जनवरी को हम ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो इसी डे के ऊपर डब्ल्यू ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है ना रिपोर्ट क्या थी डब्ल्यू एच ओ का एक प्रोग्राम था 2021 से 2030 के बीच का एक प्रोग्राम था कि किस प्रकार से सेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को ट्रीट करना है क्योर करना है और इनको इलिमिनेट करना है लेकिन बीच में आ गया कोविड महाराज और इस कोविड ने सारा जो प्रोसेस सेट था जो पाथ सेट था उसको कही कहीं ना कहीं डीरेल कर दिया है और उसी डी होने की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ जो है यहां पर हो गई है तो अब यह जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया कितनी गड़बड़ हो गई है कैसे इस गड़बड़ को ठीक किया जा सकता है तो वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं आगे के सुझाव दिए गए हैं रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि भाई वर्तमान में क्या है कोविड से क्या दिक्कतें आई हैं, है ना किन देशों के अंदर में ये नेगलेटेड ट्रॉपिकल डिजीज के, के केस ज़्यादा है ये हम बात करेंगे साथ साथ में रिपोर्ट में कुछ सजेशन भी दी गई है कुछ सुझाव भी दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे भारत कहां स्टैंड करता है नेग्लेटेड ट्रॉपिकल डिजीज में ही बात है उस पर भी बात करेंगे है ना तो ये सारी चीजें जो है हम इस टॉपिक के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चलिए नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे पुअरेस्ट कंट्रीज कंटिन्यूज से डब्ल्यू एच ओ दोस्तों ये आया है डाउन टू अर्थ डी टी के अंदर में ऐसे टॉपिक आते हैं अच्छे टॉपिक आते हैं तो वहां से हमने इसको उठाया है तो ये जीएस पेपर दो का भाग होगा दोस्तों आपका जीएस पेपर दो में ही हम पढ़ते हैं इश्यू रिलेटेड टू द हेल्थ हेल्थ से संबंधित मुद्दे हम यहीं पे पढ़ते हैं सो so डब्ल्यू की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ने ट्रॉपिकल डिजीज जो है वो एक बड़ा ठीक है एक कंटिन्यू प्रोनेटली इंपैक्टेड द मोस्ट इंप्रोवाइज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी डब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे गरीब सदस्यों को असमान रूप से क्या कर रहे हैं प्रभावित कर रहे हैं इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है किन के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ रहा है वो आपका गरीब देशों के ऊपर पड़ रहा है गरीब देश जो है वो प्रभावित हो रहा है अमीर देश पे इतना प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ऑनलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज दो इस, रिपोर्ट वर्ल्ड मतलब नेशनल ट्रॉपिकल डिजीज डे जनवरी तीस दो हजार तेईस हाईलाइटेड द एडवांसमेंट एंड चैलेंजेस इन डिलीवरिंग एंटीडी केयर वर्ल्ड वाइड अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ कोविड नाइनटीन इस रिपोर्ट में बताया गया भैया कि कैसे यार हम नेग्लेक्टि ट्रॉपिकल डिजीज को टैकल करने के लिए हम क्या क्या कर रहे थे लेकिन बीच में कोविड और उसके लॉकडाउन की वजह से हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस आए और उनसे जो हमारा काम था वो पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया तो वो और सारी चीज इसमें हाईलाइट की गई है कोविड की वजह से बताया गया कि दो हजार के अंदर में चौंतीस कम लोगों तक हम पहुंच पाए हैं पहले जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था ना बीच में कोविड की वजह से ना हम 34 परसेंट कम लोगों को ट्रीट कर पाए हैं दुनिया के अंदर में केवल 16 देश ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अस्सी परसेंटिव ट्रॉपिकल डिजीज वाले लोग रहते हैं ठीक है आप सोच लो ओनली 16 16 कंट्रीज आर देयर सिर्फ देश हैं जिनके अंदर ट्रॉपिकल डिजीज का सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर में पॉपुलेशन होता है ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो एक दसमलव पैंसठ बिलियन पीपल जो है आर एस्टिमेटेड टू रिक्वायर ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट वन एन है ना पूरी दुनिया में एक दशमलव पैंसठ बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम एक एन है ठीक है नेगलेटी ट्रॉपिकल डिजीज उनको है ही है अच्छी बात भी बताई गई है इसमें अच्छी बात यह बताई गई है कि भाई लगभग लगभग बिलियन लोगों को ट्रीट किया गया है एनटीडी टीडी से न, आपका जो नेगेटी ट्रॉपिकल डिजीज है 2016 से 19 के बीच में उसके बाद तो कोविड आ गया हालत खराब हो गई हम कम लोगों के पास पहुंच पाए बट उससे पहले हमने एक बिलियन लोगों का क्या किया है इलाज किया है हमने जो डब्ल्यू ने ट्रीटमेंट इनिशिएटिव लिया था 2021 के अंदर में

और उन लोगों को ज्यादा होती है जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं स्पेशली डेवलपिंग नेशंस के जैसे अफ्रीका हो गया एशिया हो गया अमेरिकाज में साउथ अमेरिका के कुछ देश हो गए जो गरीब देश हैं तो गरीब देश जो हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं जहां पर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है जिनका लिविंग स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है तो ये बीमारी वहां ज्यादा प्रभावित करती है कैसे होती है दोस्तों ये इनके लिए बहुत सारे वेराइटी ऑफ पैथोजन हैं जैसे वायरस हो गया बैक्टीरिया प्रोटोजोवा पैरासाइट वम्स तो ये इनसे जो है प्रभावित होते हैं ये सारी चीजें जो हैं ये इस बीमारी का क्या बनते हैं दोस्तों कारण बनते हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज जो है ये कॉमन है ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जहां पर लोगों के पास में ट्रॉपिकल एरिया वही गरीब वाले देश इक्वेटर के आसपास जो है मैंने बताया था अभी वो देश है जिनके पास बिचारों के पास में साफ पानी नहीं होता खाने की व्यवस्था अच्छे से नहीं होती हाइजीन जिनका प्रॉपर नहीं होता ठीक है प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होता तो उन्हीं को ये होता है ज्यादा िस डिजीज जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च मैंने आपको बताया इनको कोई पैसा भी नहीं देता है, है ना ये जो बीमारियां है ना इनको कोई जो है पैसा मतलब इन बीमारियों पर ना कोई रिसर्च करता है ना इनका कोई ट्रीटमेंट करके कर लिए पैसा देता है जैसे दिस डिजीज जनरली रिसीव लेस फंडिंग फॉर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट देन मिलेसिस लाइक ट्यूबर क्लॉसिस एच एड्स मलेरिया इनके लिए पैसा मिल जाएगा लोग रिसर्च भी करेंगे लेकिन भाई साहब इसके ऊपर ये जो बीमारी है इनके क्योंकि है ही नहीं ना अमीर देशों के अंदर लोगों का अटेंशन इसकी तरफ जाता ही नहीं है ठीक है तो एक बड़ी बड़ी बात है ठीक है एग्जाम्पल जो है एनटीडी के वो ये हैं स्नेक बाइट हो गया जैसे किसी को सांप ने काट लिया स्केबीज हो गया स्केबीज का ही मतलब होता है खाज योज हो गया उसके बाद में आपका ट्रेकोमा हो गया आप देखोगे ना इसको इंटरनेट पर डाल के देखना सब में बेसिकली आपकी स्किन खराब हो जाती है धब्बे धब्बे से दाद से टाइप के बहुत गहरे गाव टाइप बन जाते हैं ठीक है अब इंडिया की बात करते हैं भाई इंडिया का क्या है तो बता दिया दोस्तों इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिसको एनटीडी है है ना हाफ ऑफ द पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जो कम से कम एक इनमें से नेगेटिव ट्रॉपिकल डिजीज का शिकार है ये तो कुछ है इसके अलावा और बहुत सारी बीमारी है जो एनटीडी के अंदर में आती है और भारत की आधी जनसंख्या ऐसी है जिसको कम बर्डन एक डिजीज। जो पूरे ग्यारह एनटीडी है उसमें से ग्यारह जो एनटीडी ऐसे है जिनका बर्डन सबसे भारत पर जिसका बर्डन सबसे ज्यादा है इसमें आपका दोस्तों पैरासाइटिक इला अजर इंटेस्ट इंटेस्टाइनल इंटेस्ट, वॉर्म्स इंटेस्ट, 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 इंटेस्ट,

इनको हमने क्या कर दिया खत्म कर दिया है अब इस रिपोर्ट के अंदर में ये तो बताया ही गया था कि कोविड की वजह से दिक्कतें हुई हैं साथ साथ इस रिपोर्ट में ये भी हमें, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ठीक है जो कोविड की वजह से जो डिले हुआ है अगर हमें उसको रिवर्स करना है तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और ताकि तभी हम 2030 तक जो हमारा टारगेट है कि खत्म कर पाएंगे डब्ल्यू एच ओ ने मल्टी सेक्टोरल कोलेबोरेशन की बात की है कि अलग अलग लोगों को साथ आना चाहिए ठीक है उनको हाथ मिलाना चाहिए अलग अलग लोगों को आके अलग अलग सेक्टर के लोगों को आके और फिर उसको इलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि टारगेट तरीके से हम इसको खत्म कर सकें इसके अलावा डब्ल्यू एच ओ ने जो है प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है एंटीडी एक चैनल लॉन्च किया अलग से यूट्यूब पे उसके अलावा छत्तीस ट्रेनिंग कोर्स चला रहे हैं उन्नीस डिफरेंट टॉपिक फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इन इंप्रूविंग एक्सेस ऑफ द क्वालिटी हेल्थ केयर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पानी स्वच्छता स्वच्छता जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और लैंगिक समानता मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण एनटीडी को खत्म करने के लिए मूल होगा यह भी बोला कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें चाहिए हम इन सब पे काम करना पड़ेगा क्वालिटी हेल्थ केयर देनी पड़ेगी वाटर सैनिटेशन हाइजीन पे काम करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना पड़ेगा जेंडर इक्वालिटी को एड्रेस करना पड़ेगा मेंटल हेल्थ को वेलबींग well को ये सारी चीजें जो है तभी हम जो एनटीडी है इसको क्या कर पाएंगे इलिमिनेट कर पाएंगे समझ में आई बात दोस्तों समझ में आई गाइस समझ में आया एक बार गाइस जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नहीं किया उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सो दैट एवरीबडी कैन कमेंट जॉइन द सेशन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब रिलेटेड सर्च पे आते हैं रिलेटेड सर्च मतलब वो मुद्दे में आपसे जानना चाहता हूं ठीक है वो मुद्दों पे बात करना चाहता हूं जो आप इनके अलावा पढ़ सकते हो है ना जैसे जो इस टॉपिक में हमने कवर नहीं किए इस टॉपिक पे एक बात और है जिसको हम बोलते हैं लंडन डिक्लेरेशन और एनटीडी क्या है लंडन डिक्लेरेशन आपको पढ़नी है नेशनल नेग्लेटेड ट्रॉपिकल डिजीज के ऊपर ही है लंडन डिक्लेरेशन तो उसको आपको देखना है वट आर द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एन टीडी एनटीडी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं ये भी आपको पूछा जा सकता है सो दिस इज रिलेटेड सर्च टॉपिक प्रलिम्स के लिए क्या जरूरी है दोस्तों के लिए आपसे पूछ लेगा भाई ट्रॉपिकल डिजीज क्या होते हैं कौन कौन से होते हैं भारत का क्या स्टैंड है इंडिया की क्या पोजीशन है रीजन क्या है इनका है ना और वर्ल्ड में नेग्लेटिड ट्रॉपिकल डिजीज डे कब बनाया जाता है तो मैंने बता दिया तीस जनवरी को सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स विच कैन बी आस्ट टू यू इन द प्रिलिम्स में अलग अलग सवाल किए जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल है एक मेरा यूपीएससी के ऊपर ठीक है आपको बताना है एक एमसीक्यू है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेगलेटिव ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी के बारे में आपको मैंने स्टेटमेंट दी है पढ़ना है और आपको बताना है कौन सी सही है कह रहा है इंडिया के पास सबसे ज्यादा बर्डन है वर्ल्ड के अंदर में ठीक है किसके लिए लिम्फेटिक फिलैरिस और इंटेस्टाइनल वॉर्म इंडिया हैज इलिनेटेड सेवरल एनटीडी ग्वाइना वॉर्म आपका ट्रेकोमा और योज एनटीडी जो है दे आर कॉज बाय वेराइटी ऑफ पैथोजन जैसे वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ पैरासाइटिक वॉर्म ठीक है आपको सही जवाब बताना है करेक्ट कोड आपको चूज करना है जल्दी बताइएगा दोस्तों किन में से कौन सा सही है ये आपको मुझे बताना है इसका सही जवाब क्या है दोस्तों सही जवाब है डी डी इज द करेक्ट आंसर सारे सही है इसमें ठीक है अगली बात करते हैं दोस्तों पोलर वोटेक्स की अच्छा टॉपिक है ठीक है अभी हुआ क्या है दोस्तों चाइना का एक शहर है जिसमें तापमान माइनस छप्पन चला गया नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के अंदर माइनस फिफ्टी सिक्स नॉर्थ कोरिया के अंदर में लगातार पिछले एक महीने से नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो अलर्ट जारी कर रही है कि भाई घर में रहना बाहर मत निकलना मर जाओगे बाहर में बहुत तगड़ी सीतवे सीत लहर चल रही है कोल्ड वेव पिछले तेईस साल में सबसे खतरनाक कोल्ड वेव चल रही है ऐसा ही बोला गया है साउथ कोरिया में साउथ कोरिया में बहुत सारे जगह आइलैंड ऐसे हैं जो एकदम बर्फ़ से ढके हुए हैं एयरपोर्ट बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं फ्लाइट कैंसिल हो रही है बहुत बुरी हाल है अब कह रहा कि ये जो इतना बुरा हाल है ना एशिया के अंदर में ये देखा जाता था? ये देखा जाता था दोस्तों आपका नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में कहां पर दोस्तों? और उसके नीचे आपका ये हमें कहां देखने को मिल रही है दोस्तों अब ये चीज जो है ये चाइना यानी कि एशिया में भी देखने को मिल रही है यूजली ये जो पोलर वर्टेक्स है ये होता आम है ये जो असामान्य ठंड जो पड़ रही है ना यहां पे ये आम है ठीक है ये हो जाता है भाई सर्दियों में ऐसा हो जाता है बट ये होता कहा है ये होता था नॉर्थ अमेरिका में लेकिन ये एशिया में नहीं होता था लेकिन इस बार ये एशिया में भी देखने को मिला है एशिया में भी ये आपका देखा गया है ठीक है तो ये क्यों है पोलर वॉरटेक्स की वजह से और पोलर वॉरटेक्स क्या होता है मैं इसको आपको यहां पे समझाने वाला हूं इसको मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा पोलर वॉर्टेक्स क्या होता है ये पोलर वोटेक्स कोई नई टर्म नहीं है लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये जो फेनोमिना था ये थोड़ा सा बढ़ गया है ठीक है क्लाइमेट चेंज ने इस चीज को ना थोड़ा सा वो कर दिया है कर दिया है ठीक है बढ़ा दिया है ये थोड़ा तेज कर दिया है इसको है ना तो चलिए इस पर बात कर रहे हैं हम जीएस पेपर वन और जीएस पेपर तीन वन से क्यों क्योंकि जियो फिजिकल फेनोमिना पोलर वोटेक्स फिजिकल ज्योग्राफी का भाग है और तीन में इसीलिए क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित है क्लाइमेट चेंज से संबंधित है और साथ साथ में ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से भी आपका संबंधित है तो क्या है मुद्दा दोस्तों मुद्दे पे आते हैं सो so, साइंटिस्ट का मानना है कि जो एशिया के अंदर में जो कड़ाके की ठंड आप महसूस कर रहे हो अभी वो लार्जली किसकी वजह से हो रहा है वो पोलर वर्टेक्स की वजह से हो रहा है ये पोलर वर्टेक्स की वजह से हो रहा है चाइना में एक जगह है जिसका नाम है मोहे ठीक है मोहे रंग में रंग दो ठीक है तो वहां पर नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट सिटी है उत्तरी पूर्वी उत्तरी शहर है आपका तो यहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है माइनस तिरपन डिग्री सेल्सियस ठीक है बहुत ठंडा है ठीक है जो अब तक का कोल्डेस्ट रहा है हिस्ट्री के अंदर में सबसे ज्यादा ठंडा यह रहा है चाइना की जो नेशनल वेदर एजेंसी है वो डेली वार्निंग इश्यू कर रही है कि भैया टेम्परेचर बहुत नीचे जाने वाला है पूरी कंट्री के अंदर में है ना उसके अलावा कोरियन पेनिंसुला में नॉर्थ कोरिया जो है उसका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है भैया पिछले तेईस साल का सबसे तगड़ा कहर बरस रहा है शीत लहर का तो अपने घर में रहना बाहर मत निकलना साउथ कोरिया में भी ऐसा ही चल रहा है अब मुद्दा है सर ये हो किसकी वजह से रहा है तो ये हो रहा है प्यारे बच्चों पोलर वॉरटेक्स की वजह से ये पोलर वॉटेक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूं इधर ध्यान दीजिएगा ठीक है पोलर वॉटेक्स को समझते हैं थोड़े दिन पहले एक टॉपिक आया था अगर आपने ध्यान दिया हो बॉम्ब साइक्लोन तब भी मैंने आपको बॉम्ब साइक्लोन के टाइम पर बताया था देखो पोलर वॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है यहां पर हवाएं जो है ये हमारा कौन सा एरिया है पोल तो नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पोल पर भी आपको पता है ठंड ज्यादा रहती है अब ये जो समय चल रहा है ठीक है इसमें नॉर्थ हेमिस्पेयर में क्या होती है ठंडी होती है अभी अगर मैं मान लो ये अपना इक्वेटर मान लू ठीक है अरे चल जाओ भाई मान लेते हैं यहां से तो नहीं है और नीचे है बट कंसिडर करते हैं इसको जीरो डिग्री बट है नहीं है जीरो डिग्री तो कंसिडर क्यों करें इसको जीरो डिग्री ये मान लो ठीक है ये हमारी जीरो डिग्री है ये नॉर्थ हेमिस्पेयर है इसके नीचे होगा मान लो साउथ हेमिस्पेयर तो जो ध्रुव होते हैं ना हमारे पोल वो तो ठंडे होते हैं उनपे तापमान कम होता है अभी उत्तरी गोलार्ध में क्या चल रही है ठंड चल रही है है ना तो ये जो इलाका होता है ये जो इलाका है ठंड की वजह से यहां पोलर एरिया के अंदर में हाई लो टेम्परेचर हाई प्रेशर जोन जनरेट रहता है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर जोन रहता है लेकिन इसमें जो हवाएं हैं ठीक है वो एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखोगे ना तो वो एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में ऐसे ना घूमती रहती है ठीक है सॉरी हाँ ये ये ऐसे घूमती रहती है ठीक है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है और ये हवाएं इसी एरिया तक अपने आप तक रहती हैं मतलब ज़्यादा नीचे नहीं आती है ठीक है ये कोल्ड एयर जो है यहीं पे कंटेन रहती है लेकिन अब क्या होता है दोस्तों क्योंकि अभी ठंडी चल रही है ठंडी में ना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना तो फिर ये नीचे की ओर भागने लगता है नीचे के एरिया में इंट्रूड करने लगता है तो यूजुअली ये क्या करता है दोस्तों ये जेट स्ट्रीम के माध्यम से नीचे आ जाता है और ये बहुत सारे एरिया को क्या कर लेता है दोस्तों आपका कवर कर लेता है ये डिस्टर्ब होके ना नीचे की ओर आ जाता है ऐसे सर्दियों में जब ये स्ट्रांग होता है बॉम साइक्लोन में पढ़ाया था मैंने उस दिन भी तो जब ये नीचे की तरफ आ जाता है देखो ये अभी अमेरिका का देखो आधा इलाका पूरा कनाडा और पूरा जो है नॉर्थ अमेरिका तो ये तो चपेट में आता ही है ऐसे यूरोप की चपेट में आता है और ऐसे ही अब चपेट में आ गया है कौन दोस्तों एशिया तो एशिया भी इसी प्रकार से पोलर की क्या आ गया है आ गया दोस्तों चपेट में वॉर्टेसर तो ये हमारा पोलर तो देखते हैं पोलर वोटेक्स क्या है सो so, पोलर वॉर्टेक्स जो है इज अ लार्ज एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड कोल्ड एयर सराउंडिंग बोथ द अर्थ पोल दोनों अर्थ पोल के पास होता है ये, ये इसको हम पोलर पिग के नाम से भी कहते हैं ठीक है इसको हम पोलर पिग का नाम भी हम देते हैं दोस्तों ये हमेशा पोल्स के आसपास एग्जिस्ट करता है बट गर्मियों के टाइम पे ये वीक होता है बट अब सर्दियां चल रही है नॉर्थ पोल पे भाई सर्दी है ना तो इसलिए वो स्ट्रांग हो गया है यहाँ पे है ना इसलिए वहां पर क्या हो गया अभी वो स्ट्रेंदन हो गया स्ट्रांग हो गया है ये जो टर्म वॉटेस है वोटेक्स का मतलब है कि हवा यहां पर कैसे एंटी क्लोकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है और इसी वजह से जो ठंडी हवा है वो पोलर एरिया तक ही सिमट के रह जाती है ज्यादा नीचे नहीं आ पाती बट कई बार ड्यूरिंग विंटर के टाइम पे नॉर्दर्न एमिसफेयर के अंदर में जो पोलर वर्टेक्स है वो अपने आप को एक्सपैंड करने लग जाता है अपने को फैलाने लग जाता है और इसकी वजह से जो ठंडी हवा है वो जेट स्ट्रीम के साथ में नीचे की ओर आ जाती है और उसी ठंडी हवाओं की वजह से ठीक है पूरे नॉर्थ अमेरिका में जिसमें यूएस और कनाडा आता है उसकी चपेट में आता है बहुत जैसे अभी हमने बॉम्ब साइक्लोन भी देखा था थोड़े दिन पहले तो वो भी संभाव इसी से कैसे थोड़ा सा क्या था रिलेटेड था

पहले क्या होता था यहीं तक हवा ये कंट्रोल में रहती है लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो ये स्ट्रॉ हो जाता है हो जाता है तो ये जो जेट स्ट्रीम है इसके माध्यम से डिफ्लेक्ट होकर नीचे की ओर आने लगता है तो जब ये जेट स्ट्रीम नीचे आती है देखो ये इंक्लूड कर रहा है इधर भाई स्ट्रॉन्ग हो गया है फैलाएगा अपने आप को तो ये नीचे की तरफ आ जाती है ठीक है रिलेशन विद द क्लाइमेट चेंज सर इसका क्लाइमेट चेंज से क्या संबंध है मैं आपको बताता हूं जो पोलर वोटेक्स है हमारा ठीक है इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ रोटेशन एंड टेम्परेचर डिफरेंटीट्यूड देखो अंतर होता है तापमान के अंदर यहां पे देखोगे, यहां देखोगे का तापमान बहुत ठंडा होता है लेकिन यहां का तापमान थोड़ा गर्म होता है तो दोनों के बीच में तापमान में भी डिफरेंस है दूसरा अर्थ के रोटेशन की वजह से ये चीज यहीं पे स्टक रहती है यहीं पे चिपकी रहती है ठीक है चेंज जब होता नहीं लगता है तापमान में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ रहा है ठीक है उसकी वजह से दोस्तों ये जो पोलर वोटेक्स है ना ये एक्सपैंड होने लगता है ये ये हो हो जाता जाता है है ना? ये क्या हो जाता है ना क्या दोस्तों डिस्टेबल कह दो या अनस्टेबल कह दो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है दोस्तों और अनस्टेबल होने की वजह से ही ये फिनोमिना जो है ठीक है ये नेचुरल फिनोमिना है लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि क्लाइमेट चेंज में तापमान बढ़ता है और तापमान बढ़ने से जो पोलर वॉरटेक्स है वो डिस्टेबल हो जाता है और फिर वो जेट स्ट्रीम के माध्यम से नीचे की ओर आता है तो वैसे तो ये नॉर्मल फिनोमिना नेचुरली भी ऐसा होता है बट क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि ये फिनोमिना जो है ये बढ़ गया है ठीक है इसमें तेजी आ गई है और अब ये ज्यादा होने लग गया है ठीक है तो ये था हमारा टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया समझ में आ गया दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओके की okay रिपोर्ट है गाइज जिन्होंने वीडियो लाइक कर दिया बहुत बहुत धन्यवाद बट जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार बहुत 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 मेहनत लगती है यार ठीक है सच बता रहा हूं मैं आपको बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाना समझना पढ़ाना ठीक है बहुत आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में सबसे पहली चीज आपको देखनी है प्यारे बच्चों जेट स्ट्रीम व्हाट इज दिस जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम क्या होती है और बॉम्ब साइक्लोन थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था खुद ही पढ़ाया था तो वो वहां से आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा इसके अलावा दोस्तों प्रिलिम्स में बात करें तो पोलर वर्टेक्स क्या होता है वट इज दिस पोलर वर्टेक्स इसके इफेक्ट और इंपैक्ट क्या होते हैं रोल ऑफ जेट स्ट्रीम जेट स्ट्रीम का रोल क्या होता है रिलेशन विद द क्लाइमेट चेंज कि हमारा जो ये पोलर वोटेक्स है इसका क्लाइमेट चेंज के साथ में क्या संबंध है क्या रिलेशन है ये आपसे पूछा जा सकता है अब आते हैं दोस्तों एक सवाल दिया है मैंने ठीक है ये क्वेश्चन है यूपीएससी का आप इसके बारे में बताइए ऑलरेडी यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है तो आपको बताना इसके बारे में पहला है जेट स्ट्रीम अकर इन नॉर्थ हमिस्फेर ओनली कह रहा है जेट स्ट्रीम केवल नॉर्थ हेमिसफेयर में ही होती है ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई केवल कुछ ही साइक्लोन में आंख होती है एंड द टेम्परेचर इन साइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली टेन डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन दी सराउंडिंग्स तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाई क्यू है एंड दैट्स वाई वी आर आस्किंग एट इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है बताइए जल्दी से बताइए इसको जल्दी से दोस्तों ठीक है इसका सही जवाब है सेकंड ओनली केवल यही सही है क्योंकि कुछ में ही होती है ट्रॉपिकल में होती है टेम्परेट में थोड़ी ना होती है टेम्परेट में तो फ्रंट बनते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों मेन स्पेसिफिक पे आ जाते हैं Main's का टॉपिक क्या है इज पोलर पोलर कह रहा है है क्या होता एंड हाउ इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका कैसे इससे नॉर्थ अमेरिका की जो क्लाइमेट कंडीशन है यूरोप की क्लाइमेट कंडीशन है एशिया की क्लाइमेट कंडीशन है वो प्रभावित होती है उसके बारे में आपको लिखन, लिखना है ठीक है तो आसान सवाल है दोस्तों आराम से आप 150 वर्ड्स के अंदर में इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो 150 वर्ड्स के अंदर में आप इसको लिख सकते हो जो अभी मैंने पढ़ाया है वही इसका आंसर है ठीक है बट थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके इसके बारे में लिखना है लेकिन नॉर्थ हेमिस्पेयर पर तो होती है ठीक है हां तो सही तो है जेट स्ट्रीम आकर इन द नॉर्थ हेमिस्पेयर ओनली महाराज ओनली लिखा हुआ है ओनली नहीं है ना सिर्फ साउथ में भी तो होती है जेट स्ट्रीम ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कैल फॉरेस्ट ऑन डिक्लाइन ये कैल फॉरेस्ट क्या होते हैं मैं आपको बता दूं ये बेसिकली एक एलगी होती है ये ठीक है एलगी होती है इनको शायद नेक्टन बोलते हैं नेक्टन ने, हाँ, नेक्टन ने, नेक्टन बोलते हैं इनको अगर आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी तो वहां पर मैंने पढ़ाया हुआ है सो so, ये क्या होते हैं ना ये समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं यहां पे और ये फिर ऐसे करके ना बाहर निकले होते हैं यहां से ना बाहर निकले होते हैं ऐसे सब सरफेस की और ये बढ़ते हैं है ना और ये जनरली कहाँ आपको जो समुद्र के तट है किनारे जो है ना शोर वहां पर ये मिलते हैं और ये एक वेजिटेशन्स है बेसिकली और इन वेजिटेशन के ऊपर में ना बहुत जीव जंतु जो है डिपेंड रहते हैं क्योंकि देखो ये नीचे ना फॉरेस्ट टाइप का बन जाता है ऐसा कोई ये पेड़ नहीं है बट ये एलगी है ये समुद्र की सतह से जुड़े होते हैं और ये ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं सरफेस तक आ जाते हैं इनको कैल फॉरेस्ट कहते हैं ये कैल फॉरेस्ट भारत के अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं एक मैं मैप दिखाऊंगा जहां पर आप देखोगे लेकिन अभी जो है हमारा जो इक्वेटर के साउथ के अंदर में जो कैल फॉरेस्ट है उनको खतरा है ठीक है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज तापमान बढ़ने से इनको दिक्कतें हो रही हैं है ना तो अब इनको इन सेतु रिस्टोर नहीं किया जा सकता मतलब जिस जगह पे हैं उनको बचाया नहीं जा सकता इसीलिए इनको जीन बैंक में स्टोर किया जाएगा ताकि भविष्य में इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस किया जा सके चलिए कैल फॉरेस्ट बात कर रहे हैं कैल फॉरेस्ट लूजिंग यूनिक ट्रेड्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज से स्टडीज स्टडी में पाया गया कैल्प फॉरेस्ट जो है वो अपनी जो ट्रेड्स हैं वो खो रहे हैं जीएस पेपर तीन दोस्तों कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी अब एक रीसेंट स्टडी हुई है इस रीसेंट स्टडी के अंदर में रिवील किया गया है कि जो कैल्प फॉरेस्ट हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं किसकी वजह से बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से हाल ही के इस अध्ययन में पता चला है कि जो कैल्प फॉरेस्ट हैं ये जलवायु परिवर्तन की वजह से ये धीरे 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 क्या हो रहे हैं दोस्तों डिक्रीज हो रहे हैं इनका नाम है दोस्तों आपका एक्लोनिया रेडिएटा रेडिएटा एक डोमिनेंट कैल्प स्पीसीज है दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है ये क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित है है ना और ये स्पेशली इक्वेटर के साउथ में इक्वेटर के पास पाई जाती है और जो थ्रेटेंड है दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के पास ये पाई जाती है दोस्तों एक्लोनिया रेडिएटा तो ये दक्षिणी गोलार्ध में एक प्रमुख कैल्प प्रजाति है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है विशेष रूप से भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है तापमान बढ़ने की वजह से दोस्तों इसका डिक्लाइन हो रहा है मुख्यतः किन एरिया में डिक्लाइन हो रहा है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो कोस्ट लाइन है वहां पर यह डिक्लाइन हो रहा है और बाकी जगहों पर भी इसका डिक्लाइन जो है इस पर्टिकुलर स्पीसीज का ठीक है किस कौन सी का दोस्तों आपका एक्लोनिया रेडिएटा का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है इन सीट प्रोटेक्शन मतलब जिस जगह पे हैं वहां बचाना इनको लगभग अभी असंभव है लेकिन हा हम इसको भविष्य के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं अभी इनको स्टोर कर लिया जाएगा भविष्य के अंदर में हम इनको दोबारा से रिवाइव कर सके तो वो हम करेंगे कैल फॉरेस्ट की बात करें तो कैल फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर अंडर वाटर इकोसिस्टम पानी के अंदर पाए जाते हैं शेलो वाटर के अंदर में उथले पानी में पाए जाते हैं बहुत गहराई पर नहीं मिलते सरफेस पे आपको जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये मिलते हैं दोस्तों ये ब्राउन एलगी होती है लार्ज बड़ी बड़ी होती है लेकिन बहुत बड़ी पेड़ जैसी दिखेगी आपको इनकी जड़ें समुद्र के अंदर तलहटी पे होती हैं और ये सरफेस तक आ जाती हैं इतनी बड़ी होती हैं तो यूजुअली ये सेलो वाटर में पाई जाती है उथले पानी में ज्यादा गहराई पे नहीं मिलती इनको सूरज की लाइट चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ठीक है दे अटैच टू सी फ्लोर समुद्र के तट से जुड़ी होती है और ये ऊपर तक ग्रो कर जाती है वाटर की सतह तक आपका अपने फूड बनाने के लिए सनलाइट पर यह क्या रहती है दोस्तों डिपेंड रहती है है ना ये जो जमीन के अंदर में जो पानी समुद्र के अंदर में जो जीव जंतु रहते हैं हंड्रेड ऑफ स्पीसीज इन्वर्टरब्रेड हो गए फिश हो गए एलगी हो गए उनको एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो इसी के आसपास रहते हैं इसी में मतलब अपना घर वर वो बना के वो यहीं पे रहते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू है पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो ये जगह है जहां पर देखो ये ये जगह है जहां पर ये पाई जाती है ठीक है ये कैल फॉरेस्ट है और ये एंडेंजर्ड एरिया है कैल्फॉरेस्ट यहां यहाँ पाए जाते है देखो सब देखोगे तो आप कोस्टल एरिया के आसपास है ठीक है सब लेकिन ये जो एरिया है दोस्तों स्पेशली वो एरिया है जहां पर एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जिनको खतरा है जो लुप्त हो रही हैं ठीक है तो ये वो आपको जगह मैंने आपको बताई है इस मैप के द्वारा सिग्निफिकेंस क्या है सर इनका महत्व क्या है महत्व है भाई बायोडाइवर्सिटी का एक अहम भाग है पूरा इको सिस्टम ये जनरेट कर रहे हैं ठीक है फूड सोर्स का, का काम कर रहे हैं मराइन क्रिएचर के लिए कैल्प जो है जो ये मराइन क्रिएचर है उनको जो अपना बॉडी का कार्बन वो बनाते हैं उसका साठ परसेंट कार्बन जो है ये कैल्प फॉरेस्ट ही उनको क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इनके अंदर बहुत सारा एक इनवर्टेबरेट्स और मछलियां जो है वो रहती हैं एक हैबिटेट एक निवास के रूप में होता है ये निवास प्रदान करता है इट रिलीज कार्बन इनटू द कोस्टल इकोलॉजी इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी न्यू बायोमास अब ये कार्बन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मत समझना ठीक है भाई भले ही कार्बन डाइऑक्साइड खराब है लेकिन जो कार्बन है उससे बॉडी का अंग भी तो बनते हैं ना तो ये उस कार्बन की बात कर रहा है ठीक है कभी आप कंफ्यूज हो इससे चलिए ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं तो सोलिगाटा ठीक है तो ये एक बेसिकली नई प्रजाति है वेस्ट की ठीक है क्या बोलते हैं वेस्ट को हिंदी में किसी को पता है हड्डा हड्डा बोलते हैं हड्डा हिंदी में इसको है ना या कुछ और बोलते हैं ये रहा हड्डा टिड्डा पिड्डा पता नहीं क्या है नाम इसका हड्डा नाम बोलते हैं इसको तो एक नया वेस्ट की प्रजाति जो है वो पाई गई है और इस वेस्ट की प्रजाति का नाम जो है ना वो किसके नाम पे रखा है कर्नाटका की एक ट्राइबल कम्युनिटी है ठीक है जो बहुत फेमस है उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है नाम रखा गया है इसका एक्रेनिटा एक्रेनिटा चलिए देख लेते हैं तो कह रहा है कि एक ततैया भी कहते हैं क्या ततैया की एक नई प्रजाति भाई लग तो ततैया जैसा ही रहा है यार ये है ना पता नहीं जो भी है ततैया मान लो भाई एक नया जीनस का वैस्ट जो है वो पाया गया है जिसका नाम सोलिगा कम्युनिटी जो कर्नाटक के अंदर पाई जाती है उसके नाम पर रखा गया है ठीक है और ये कम्युनिटी बहुत फेमस है ये कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी है ये बिल्कुल जो एक नेशनल पार्क के ना टाइगर रिजर्व के कोर जोन में रहती है बट ये बहुत फेमस है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट ये कम्युनिटी ना बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों कर्नाटका की ठीक है इट्स वेरी फेमस कम्युनिटी सृष्टि राज हाँ अभी मैं ठीक है अन अकेडमी के साथ में सिर्फ ऑनलाइन में ही जुड़ा हूं ऑफलाइन के अंदर में मैं अभी नहीं हूं ठीक है ऑफलाइन में मैं अभी नहीं हूं जब ऑफलाइन में मैं आऊंगा मैं आपको बता दूंगा राइट नाउ आई एम ओनली इन द ऑनलाइन ठीक है मैं सिर्फ अन अकेडमी के साथ ऑनलाइन में हूँ ऑफलाइन में करूंगा तो मैं खुद का करूंगा मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आपको पता चल जाएगा जब हम करेंगे ऑफलाइन तो सोलीगा इकारीनेटा जो है एक नई वैस्प की प्रजाति है दोस्तों इट बिलोंग्स टू सब फैमिली मेटोपियना ऑफ डार्विन वेस्ट फैमिलीज ठीक है तो ये देख लेना भाई सोलिगाना सोलिगा इकारिंटा एक नया ततैया है जो डार्विन ततयों के परिवार ठीक है इंचू इंचू मोनिडे के उप प्रजाति मेटोपियाना से संबंधित ये नाम कैसे कैसे रखते हैं इनके यार ये याद ही नहीं होंगे कैसे पढ़ते होंगे यार ये ठीक है ये जो ततैया था ये केवल और केवल पेली जोन के अंदर नियोट्रॉपिकल और नियर आर्टिक जोन के अंदर पाया जाता है ये अब आपको लग रहा होगा सर कहां है ये हमने पढ़ा नहीं ये बायोडाइवर्सिटी में मैंने जोन पढ़ाए हुए हैं आपको ठीक है बायोडाइवर्सिटी में पढ़ाए हुए हैं दिस इज द सेकंड जीनस ऑफ दिस सब फैमिली इस सब फैमिली का ये दूसरा जीनस है दोस्तों ठीक है ये विच इज रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड फर्स्ट फ्रॉम द साउथ इंडिया साउथ इंडिया से इस प्रजाति का रिपोर्टेड पहला है ये साइंटिस्ट ने इसका नाम जो है वो सोलिगा कम्युनिटी के आप ऊपर रखा है सोलिगा कम्युनिटी बहुत फेमस है ये इंडिजीनस कम्युनिटी माना जाता है कि दक्षिण भारत की पहली कम्युनिटी है जो यहाँ रहने लगी थी ये बिलगिरी जो रंगन हिल्स है बी हिल्स जिसको बोलते हैं ठीक है, है वहाँ पर ये बेसिकली ये प्रजाति जो है ये पाई जाती है रंग बिलगिरी रंगन हिल्स में ठीक है चामराजनगर जिले के अंदर में जो बिलिगिरी रंगन हिल्स है वहाँ पर ये प्रजाति रहती है ये इंडिजीनस पीपल है दक्षिण भारत के मतलब यहीं पे पैदा हुए थे यहीं रहते हैं है ना और ये माना जाता है कि कई चीजों में सबसे आगे हैं जैसे माना जाता है कि ये साउथ इंडिया की पहली इंडिजिनस प्रजाती हैं दे आर कंसिडर टू बी द फर्स्ट सेटलर ऑफ इंडिया माना जाता है भारत के अंदर में पहले लोग थे जो यहाँ रहने लगे थे इनका जो होम है बी आर हिल्स वॉज द अमंग फर्स्ट एरिया टू डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका जो घर है जाए रहते हैं वो पहला एरिया था जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था नाइनटीन सेवेंटी फोर के अंदर दो हज़ार ग्यारह के अंदर में वन द रीजन वॉज डिक्लेयर द टाइगर रिजर्व द सोलीगा वर द फर्स्ट कम्युनिटी टू विन रेजिडेंट राइट्स इन द टाइगर रिजर्व टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो गया था ही। लेकिन फिर भी ये लोग यहीं रहते हैं इनको यहां रहने के राइट्स मिल गए थे और ये बायोडावर्सिटी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत फेमस है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिटी ठीक है जिसका नाम क्या है दोस्तों आपका सोलिगा कम्युनिटी अगला है दोस्तों ब्लैक ब्लैकनेक्ट स्ट्रोक काले गर्दन का ये स्ट्रोक जो है ये अभी मिला है ठीक है ये अभी हमने वाटर बर्ड सेंसस चल रहा था तो ये हमें दिखा है तो बर्ड सेंसस ब्लैक नेक् स्ट्रॉक साइटेड इन द पोरबंदर फॉर द सेकेंड ईयर दूसरे साल ही हमें यहां पे देखने को मिला है तो ये जो ब्लैक नेक्स कोड है पोरबंदर के बर्द, बर्दा सागर जलाशय के अंदर लगातार दूसरे साल हमें काली गर्दन वाला सारस जो है हमने देखा है ये जो ब्लैक गर्दन का सारस है ये लंबी लंबी टांगों का है लंबी गर्दन का है ठीक है इट्स अ वेडिंग बर्ड इन द स्टॉक फैमिली ठीक है तो ये आपका सारस परिवार की फैमिली का काली गर्दन वाला लंबा लंबा जो है, है टांग भी लंबी है काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम जो है ये है भाई पढ़ लेना मेरी हिम्मत नहीं इसको पढ़ने की माफी चाहूंगा ये जो ब्लैक नेक है ये बहुत बड़ा पक्षी है इसकी हाइट देखोगे तो 110 से लेकर 114 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इसका वेट 4000 ग्राम के आसपास है इसका विंग स्पैन पंखों का आकार 190 से लेकर 220 सेंटीमीटर के आसपास का है मेल और फीमेल में एक ही अंतर होता है मेल और फीमेल की जो फीमेल है उसकी आंख येल्लो कलर की होती है ठीक है येल्लो कलर की होती है इसका हैबिटेट अगर हम बात करें सर कहाँ पाया जाता है ये तो ये मुख्यतः वेटलैंड के अंदर जो दलदल है जलाशय उसमें पाए जाते हैं आपके जो फ्लड प्लेन जहां पानी भरा होता है नदियों के आसपास वहां पर शैलो श्वाल क्योंकि मछली पकड़ के खाते हैं ना ये लोग ठीक है तो ये वहीं पे पाए जाते हैं डीपर परमानेंट वाटर बॉडीज के अंदर में भी ये पाए जाते हैं ये भारत के अंदर इंडियन सब में उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में ये जो सारस की प्रजाति है वो देखने को आपको मिल जाएगी इसके अलावा इसका कंजर्वेशन स्टेटस आई की रेड लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो ये नियर थ्रेटेंड है ठीक है खतरे के करीब है मतलब बचाना जरूरी है इसको अब जहां ये पाया गया है बरदा सागर रिजर्व उसके बारे में बात कर लेते हैं पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में अंदर है ये एक डैम है बेसिकली बरदा सागर एक डैम है जिसको हमने पानी का जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए बनाया था ताकि फिर हम उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उस पानी का क्या कर सकें इस्तेमाल कर सके बरदा सागर जो डैम है एंड जो इसके आसपास के जो इलाके हैं सारे के सारे वहां पर पानी भर जाता है ठीक है विंटर के टाइम पे और बहुत सारे पक्षी जो हैं वहां पे आ जाते हैं कई सारे पक्षी हमें देखने को मिलते हैं बहुत भारी मात्रा में हजारों की संख्या में सारस देखने को मिलते हैं कॉमन क्रैन हो गया उसके बाद में आपको आ, आपको डिमोसिल डिमोसिले क्रेन हो गया ये सब देखने को मिलते हैं बर्दा सागर जो है इट इज अ रेगुलर नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ एलिगेंट ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेव लाइक आपका मुकार सागर द वीड सेरेमनी एंड डांसिंग रिचुअल्स ऑफ द ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब कैन बी सीन हेयर ये सब चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो ये फेमस भी है इसके लिए ये क्या है दोस्तों फेमस है शॉर्ट सेलिंग अभी आजकल यार अडानी जी का एक मुद्दा चल रहा है ठीक है हिंडनबर्ग ग्रुप है एक इंडिया आ, मतलब यूएसए का है वो बेसिकली एक शॉर्ट सेलिंग ग्रुप है शॉर्ट सेल सेलर क्या होता है पहले आप ये समझ लो शेयर मार्केट के अंदर में जो लोग शेयर खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं भाई आज हम शेयर खरीदते हैं हम कोशिश ये करते हैं सस्ता शेयर खरीदे और आगे जाके जब इसके भाव बढ़ेंगे महंगा होगा तो इसको बेच देंगे बेच के प्रॉफिट कमा के निकल लेंगे है ना इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजिशन एक लंबी पोजिशन होल्ड करना हम एक शेयर में फेद दिखाते हैं ट्रस्ट दिखाते हैं और उस ट्रस्ट को हम होल्ड करके बैठते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो बेच के निकल लेते हैं शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है ठीक है प्रोसेस वही होती है कि कम में खरीदना और महंगे में बेचना लेकिन शॉर्ट सेलिंग में पहले क्या किया जाता है दोस्तों पहले बेचा जाता है इतना बिकवा दिया जाता है कि उस शेयर के प्राइस गिर जाए और फिर ये उसको क्या करते हैं खरीदते हैं और फिर प्रॉफिट कमाते हैं तो यूजुअल प्रोसेस क्या है कि हम एक शेयर खरीदेंगे सस्ते में और फिर उसको महंगे में बेचेंगे बट इसमें साइकिल उल्टा होता है ठीक है इसमें साइकिल उल्टा होता है किसमें शॉर्ट सेलिंग के अंदर तो अभी जो हिंडनबर्ग ग्रुप है उसने जो अब आप, आपको पता है दोस्तों दुनिया के अभी पहले सबसे अमीर थे फिर दूसरे नंबर पे आ गए थे है ना रिचेस्ट में अब ये सातवें नंबर पर गिर गए हैं ठीक है अदानी जी इनकी संपत्ति जो है वो दो तीन दिन के अंदर में एक लाख करोड़ रुपये से कम हो गई है है ना शेयर के भाव गिर गए हैं तो जो हिंडनबर्ग है उनका मानना है कि भाई इनकी कंपनी में बहुत सारा फ्रॉड है इनकी अकाउंटिंग गलत है ऑडिटिंग गलत है ये कंपनी इनकी बहुत ओवर वैल्यूड की हुई है इनकी इतनी वेल्थ नहीं है फ्रॉड बहुत है स्कैम है फलाना डिमका करके इन पे आरोप लगे और इनकी वजह से जो इनके भाव है इनके कंपनी के ठीक है वो शेयर गिर गए है ना तो अब जो माना जा रहा है कि जो हिंडनबर्ग जो ये काम कर रहा है वो खुद एक शॉर्ट सेलर है वो ऐसे ही पैसे कमाता है कि किसी कंपनी के जब शेयर गिर जाए ना तब तो वो खरीदता है भाई किसी कंपनी के शेयर जब बहुत ज़्यादा गिर जाए ना तो वो खरीदता है और फिर बाद में उसको क्या करता है जब वो शेयर के दाम बढ़े तो प्रॉफिट कमा के वो निकल लेता है तो पता चला कि यार ये है ही गुरु पैसा तो इसकी इंटेंशन डेलिबरेटली ऐसी है कि ये जानबूझ के इसके प्राइस गिरा रहा है ताकि ये सस्ते में मिल जाए फिर ये खरीद के इसको महंगे में बेचेगा तो उसके ऊपर सेबी ने भी कहा है कि भाई हम इंक्वायरी करेंगे तो ये शॉर्ट सेलिंग जो वर्ड है ये आपका न्यूज में था तो हम इसको बेसिकली बता रहे हैं शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च डिस्कलोज शॉर्ट पोजिशन इन द अडानी ग्रुप्स एलिगिंग द स्टॉक मैनुपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड उन्होंने कहा कि भाई इनका पूरा खराब है ये स्टॉक को मैन्युपुलेट कर रहे हैं और अकाउंटिंग फ्रॉड भी है इनके तो ये उन्होंने कहा है शॉर्ट सेलर है ये बेसिकली अब लॉन्ग पोजीशन क्या होती है दोस्तों मैंने बताया बाय लो सेल हाई मतलब सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो ये हमारा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहती है हम यही करते हैं दोस्तों ठीक है जब भी कोई एक स्टॉक या सिक्योरिटी बाय करते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर में हम उसको होल्ड करते हैं और जब उसका प्राइस बढ़ता है तो हम उसको प्रॉफिट बुक करके बेच देते हैं इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजिशन ठीक है position, और ये इस आधार पर होती है हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमने स्टॉक या सिक्योरिटी खरीदा है वो आगे आने वाले टाइम पे अप्रिशिएट करेगा उसका दाम बढ़ेगा तो इसलिए हम उसको होल्ड करके रखते हैं और जब दाम बढ़ता है तो हम उसको बेचते हैं है ना यही करते हैं ना शॉर्ट सेलिंग इसका उल्टा है शॉर्ट सेलिंग जो है ना इसके अंदर में क्या है दोस्तों इसका शुरुआत इससे होती है कि हाँ प्राइस गिरेगा अब जैसे अडानी ग्रुप पे इन्होंने आरोप लगाया तो अडानी के प्राइस गिर गए तो ये प्राइस उसके शेयर खरीद लेंगे ठीक है और उसके थोड़े दिन के बाद जब दोबारा से क्योंकि शेयर खरीदे जाएंगे दोबारा वैल्यू बढ़ेगी तो उस टाइम पे बेच देंगे ये प्रॉफिट कमा लेंगे बीच में अपना ठीक है इनका फंडामेंटल जो है ये तो सेम ही होता है बाय लो हा, सेल हाई अप्रोच होता है बट इनका जो सीक्वेंस है ट्रांजेक्शन का वो उल्टा होता है शॉर्ट सेलिंग के अंदर में क्या किया जाता है सेल हाई फर्स्ट अभी जो है दाम अच्छे चल रहे हैं अडानी ग्रुप के अभी दाम अच्छे थे ठीक है ये होने से पहले तो इन्होंने क्या किया उनको बेच दिया हाई प्राइस पे था इन्होंने क्या कर दिया बेच दिया हाई प्राइस पे बेच दिया अब इतने ज्यादा शेयर बिक गए इनके शॉर्ट सेलिंग हो गई है ठीक है सब लोग बेच के भाग गए हैं तो अब क्या होगा दोस्तों प्राइस गिर गया अभी देखो अडानी शेयर का जो है प्राइस बहुत गिर गया तो अभी ये खरीदने लग जाएंगे ये लो खरीदेंगे फिर आगे जाके फिर बेच देंगे तो यही होती है आपकी क्या शॉर्ट सेलिंग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक और टॉपिक होना चाहिए था चलो हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा अभी ट्वेंटी ऑफ का जो है आपका चल रहा है और इकतीस जनवरी मतलब अभी तो ख़त्म हो गया भाई ये ठीक है ठेके? बाकी आप नया आपको जब भी ऑफर आएगा तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरा कोड यूज़ करेंगे सुमिट टेन अभी एन का कोर्स है दोस्तों ठीक है और ये एन का कोर्स मेरा आ रहा है कब दोस्तों मार्च में तो आप जुड़िएगा मेरे साथ इसमें और इसमें जाके आप मेरा कोड लगाइएगा सुमिट टेन और इसको फॉलो इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप बहुत अच्छा ऑफर है चार के अंदर आपको मिल रहा है बाकी आपको पता है दोस्तों कोर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं आइकॉनिक और प्लस प्लस में सारी क्लास लाइव होती है हर हफ्ते टेस्ट होता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड क्लास आपको मिलती है वही आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस होता है लेकिन दोनों में ध्यान एक बात रखनी है मेरा कोड दोस्तों कोड मेरा क्या है दोस्तों सुमिट टेन सुमिट टेन आप जब भी यूज करोगे आपको मिल जाएगा टेन परसेंट इंस्टेंट डिस्काउंट ठीक है चलिए ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन थैंक यू वेरी मच टेक केयर बाय बाय जय हिंद दोस्तों इसको फॉलो कर लेना यहां पर आपको पी मिल जाएगी मेरा टेलीग्राम चैनल है सारी अपडेट मैं यहीं दूंगा टेक केयर बाय जय हिंद